सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास के साथ जुड़ रहे हैं। क्लास है बीए बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी। इसमें पेपर सेकंड है राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल की यूनिट बन रही है थर्ड। थर्ड यूनिट का टॉपिक है राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या इसमें से मैंने पहले 1% का अध्ययन करा चुके हैं। ऑनलाइन 1% हो चुका है। सेकंड प्रश्न है राजस्थान की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं तथा जनसंख्या समस्याएं और उनके समाधानों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है विशेषताएं जनसंख्या की तथा जनसंख्या की समस्याएं उन पे चर्चा करिए तथा उनके समाधानों के बारे में। तो ध्यान रखिए आपके 3 बिंदुओं पे आपका आंसर करना पड़ेगा। यानी अगर परीक्षा के अंदर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना 5-5 नंबर में डिवाइड होगा तो भी आपको नंबर मिलेंगे अच्छे। अगर अन्यथा आपने अगर 5-5 नंबर में इस प्रश्न को पूर्ण नहीं किया तो आपके नंबर की यानी इस बात को कर दिया तो आपको केवल ये 2 बात होगी तो आपको केवल 5 नंबर में से मार्किंग होगी। 4-3-2 इन दोनों को करके आपको छोड़ दिया इन दोनों के नंबर मिलेंगे। ना बी एम तथा बी एम सी के अंदर ये 10 नंबर का प्रश्न आता है तो देखिए हम पहले चर्चा करते हैं प्रमुख जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं निम्न है। नंबर 5 विशेषता की बात करते हैं तो जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार या जनसंख्या आकार देखो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 6,85,48,437 है। ठीक है ये तो होगी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 437। ठीक है इनमें से पुरुष जनसंख्या होगी वो होगी 3,55,50,997। ये तो पुरुषों की जनसंख्या होगी तथा महिलाओं की जनसंख्या है वो देखो 3,29,97,440 440। तो ये दोनों का मिक्सअप में तो कुल जनसंख्या होगी तथा ये पुरुष जनसंख्या तथा महिला जनसंख्या होगी। ठीक है जनसंख्या में 2001 से लेकर 2011 तक की जो शताब्दी पीरियड था जनसंख्या की वृद्धि दर इसमें 2001 से लेकर 2011 तक इसमें जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर वो वृद्धि दर रहा है 21.3%। कितना रहा है 21.3% तथा पुरुषों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ये तो पूर्व वृद्धि दर था तथा इसमें पुरुषों की अगर वृद्धि दर देखी जाए तो पुरुषों के अंदर वृद्धि दर है वो है 20.8%। ठीक है तथा महिलाओं के अंदर वृद्धि दर है दशकीय वृद्धि दर वो 21.8% है। ये हो गया जनसंख्या की वृद्धि दर तथा जनसंख्या के आकार के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान प्रथम स्थान है पर तथा जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत के अंदर कौन सा स्थान है 8वां स्थान है।
ठीक है। ये अब देखो जनसंख्या की व्यवस्था एक तरह से ये सारे इसको बता दिया होगा आपने, नंबर देखते हैं जनसंख्या की व्यवसाय संरचना। जनसंख्या की व्यवस्थित रचना इसके अंदर देखो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में सड़सठ की 42.1% की, यह बढ़कर 2011 के अंदर 2011 के अंदर कृषिगत क्षेत्रों में श्रमिकों का प्रतिशत 66 हो गया। कितना हो गया? 66% हो गया तथा गैर कृषिगत क्षेत्र श्रमिक का प्रतिशत जो गैर कृषिगत है उसमें हो गया 34%। इनमें घटक टोटल घटकों की बात करें 9,58,00,000 जीरो में, ठीक है। ये तो हो गया कटक टोटल तथा कटक जो सर्विक है वो हो गए 10-17 तथा बैठे और लोगों में इसकी है वो हो गए करने 50-13-12। अन्य कार्यों में जैसे जो सर्विक लगे हुए ये तो हो गए कटक 94,97,97, ठीक है। अब बात करते हैं हम अन्य में हो गया 63,45,103। ये हो गए टोटल अन्य जो उत्पादों में जुड़े हुए हैं। अब देखो आगे या इसको छोड़ देगा आपको दो तीन सेकंड का टाइम है। ठीक है, ये आगे अन्य हो गए 43,45,103। मैं इसको मिला रहा हूं अब आप कर रहे हैं राजस्थान में जनसंख्या का निर्णय हुआ लिंगानुपात। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल 3,55,50,997 पुरुष एवं 3,29,97,440 महिलाएं हैं, अर्थात 30,000 पुरुष पर 928 महिलाएं हैं। अगर लिंगानुपात की बात करें तो कितनी है? 928 है। राजस्थान में जिलेवार लिंगानुपात में विविधता पाई जाती है, यानी पर्टिकुलर अलग अलग जिलों में अलग अलग लिंगानुपात पाया जाता है, किसी में कम है तो किसी में थोड़ा ज्यादा है, किसी में सामान्य है यानी स्तर है तो कहीं में बिल्कुल भी न्यून है। यानी इस अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो 1,000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं की संख्या होती है उसी की तरह से यह बात ज्ञात किया जाता है। देखो राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात है वो डूंगरपुर का है। डूंगरपुर में लिंगानुपात है, डूंगरपुर का लिंगानुपात है वो 994 है जो प्रति 1,000 के ऊपर है। राजसमंद का है 990 है तथा पाली का है वो 987 है, प्रतापगढ़ का 983 है एवं बांसवाड़ा का 980 है। ठीक है, ये थे
शुरुआत करें या जो औसत है औसत कितना अनुपात है इससे अधिक है ठीक है तथा और कैसी है तथा न्यूनतम जो पांच दिए हैं वो देखो दो अंतरों का है न्यूनतम है ये तो आ गया अधिकतम कितना अनुपात और यहाँ पे है न्यूनतम न्यूनतम के अंदर है दो अंतर धौलपुर है इस धौलपुर का जो लिखा अनुपात है 846 प्रति हजार है कुल ऐसे ही जैसलमेर का 852 है करौली का 861 है भरतपुर का 880 है और गंगानगर का 887 है कम जो कम लिखा अनुपात है यानी न्यून लिखा अनुपात होने का मुख्य कारण आपको बताऊंगा कि कन्या भ्रूण हत्या कन्या भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण लड़कों की सहायता की लड़कियों को उत्पन्न नहीं होने से उनको ये समाप्त कर देना इस पर जन जागरण के माध्यम से प्रभावशाली रोक लगाया जाना आवश्यक है और राज्य सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या यानी जो लिंग परीक्षण है उसके सोनोग्राफी पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है वर्तमान में तो ये अब है शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात फोर्थ है शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात शहरी और ग्रामीण जनसंख्या अनुपात राजस्थान में कुल जनसंख्या का जो कुल जनसंख्या है उनमें से 51,50,352 ग्रामीण जनसंख्या है तथा यह कुल जनसंख्या का 75% है यानी ये होगी एक बार आ गए दोबारा है 51,500,352 यानी ये होगी 5,15,352 ठीक है ग्रामीण जनसंख्या की जनसंख्या का कितना है 75.1% टोटल जनसंख्या का इसके बाद में इस जनसंख्या में जो ग्रामीण पुरुष है वो है 2,66,41,747 है तथा 2,48,58,605 वो है जनसंख्या महिलाएं राजस्थान में कुल जनसंख्या में 1,70,48,085 जनसंख्या शहरी है यह राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24% है यानी शहरी कितनी है 24% आबादी शहरी है बाकी 75% कैसी आबादी है ग्रामीण आबादी है इस शहरी जनसंख्या में निवासी लाख 92,050 शहरी पुरुष तथा 81,38,835 शहरी महिलाएं की जनसंख्या है अब बात करते हैं राजस्थान की जनसंख्या घनत्व ये तो हो गया शहरी और ग्रामीण अब बात करते हैं एक नंबर है जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व की बात करें तो राजस्थान का राजस्थान जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में जनसंख्या घनत्व की औसत की काफी कम है वर्ष 1901 में यहाँ जनसंख्या घनत्व 30 था अगर 1901 की बात करें तो कितना था केवल 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी केवल 30 व्यक्ति थे यहाँ पे जनसंख्या इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे जनसंख्या की ग्रोथ हुई है देखो किस प्रकार से जो बढ़कर 2011 के समय जो जनसंख्या है वो कितना हो गया 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
जानी कितना अधिक जनसंख्या का फैलाव हो गया, पहले 30,000 तथा अभी 200 हो गया। राज्य ने सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में 595 प्रति प्रति वर्ग किमी जयपुर जिले का है। 595 किसका है? जयपुर का। सेकंड स्थान पे भरतपुर का 503 तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 प्रति, सबसे कम ये हो गया अधिक जनसंख्या घनत्व और ये हो गया न्यूनतम। न्यूनतम किसका है? जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हो गया जनसंख्या घनत्व। सेकंड स्थान पर बीकानेर का है 78। अब हम बात करते हैं राजस्थान में शामिल करते हैं, इसको मिटा रहा हूं। राजस्थान में शामिल करते हैं। राजस्थान में साक्षरता भारत में जो साक्षरता है 70%। तो राजस्थान में वर्ष 2011 में राजस्थान में साक्षरता दर है वो कई किताबों में आपको 67.9% मिलेगा तथा कईयों में आपको 66% भी मिलेगा। ठीक है, इसमें पुरुषों की साक्षरता, पुरुष जो साक्षरता है, पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है यहाँ पे 80.51 है, 80.51 है तथा स्त्रियों की जो साक्षरता है वो काफी कम है और 52.66% है। तथा इसमें महिला और जो हरिमान सत्र है इसमें थोड़ा डिफरेंट मिलता है, 80.30% और 52.1% तो अलग थोड़े राइटर की रूप में है, थोड़ा डिफरेंट। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता कोटा जिले की है, सर्वाधिक साक्षरता कोटा जिले की है और 76.6% है तथा सबसे कम साक्षरता जालौर जिले की है, 54.9% है। राजस्थान में पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता दर झुंझुनू जिलों में 86.9% तथा स्त्रियों की सर्वाधिक साक्षरता कोटा जिले में 65.9% है तथा निम्न साक्षरता में पुरुषों की न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जालौर 56.9% है तथा स्त्रियों की न्यूनतम सीमा जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है वो जालौर है 38.5%, वहां पे ये केवल साक्षरता की श्रेणी में आती है। तो ये हो गई विशेष जानकारी। जनसंख्या की मुख्य विशेषता इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान में जनसंख्या समस्याएं। जनसंख्या समस्याएं हैं नंबर 5 है, जनसंख्या समस्याएं हैं राजस्थान राज्य में जनसंख्या की कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जैसे नंबर 5 है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। नंबर 5 है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। जनसंख्या वृद्धि यहाँ की सबसे प्रमुख समस्या है। वर्ष 1991 से 2001 में यह वृद्धि दर 28.33% थी, लेकिन 2011 में यह वृद्धि 21.3% रही है, जो अच्छे संकेत है कि जो दर है वो कम है, लेकिन संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वर्तमान में भी जनसंख्या वृद्धि अधिक है, इसे नियंत्रण करना आवश्यक है क्योंकि आने वाले संसाधनों पर भारी दबाव हो रहा है, रोजगार के साधन भी कम है। अगला है सेकंड पेयजल की समस्या।
के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे जल स्रोत निरंतर सूख रहे हैं। जल की कमी से अकाल सुकाल द्वारा संकट राज्य के प्रयास करते जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में नहरें व पेयजल परियोजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी कई जिलों में पेयजल की समस्याएं गंभीर रूप धारण कर रही है। कुछ ये पेयजल की समस्या मुख्य रूप से राजस्थान के क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की कमी से जुड़ी हुई, जैसे चूरू वगैरह, नागौर, उन जिलों में पेयजल की काफी अधिक समस्या बनी हुई है। अगला डाटा बेरोजगार की समस्या। बेरोजगारी की समस्या राज्य के में शहरीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है। इस शहरी जनसंख्या की वृद्धि का कारण गांवों की बेरोजगारी जनता का नगरों की ओर पलायन का करना प्रमुख कारण है। राजस्थान में कृषि खनन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र तथा व्यापार क्षेत्र में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गई है। सन 1990-2000 के दशक में राज्य में 49,00,000 लोगों के लिए रोजगार की आवश्यकता थी, लेकिन रोजगार न मिलने के कारण वर्तमान में यह समस्या और भी निजी परिस्थितियों में फैल गई है। इसलिए बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नए रोजगार तथा तो रिटायरमेंट की वजह सेवानिवृत्ति की आयु का मुख्य प्रॉब्लम कारण है कि सेवानिवृत्ति की आयु जो 65 साल तक है उसको घटाकर 55 साल कर दी जाती है, जिससे नए जो युवा है उनको भी जॉब वगैरह मिलने की संभावनाएं हो। क्योंकि जब तक सेवानिवृत्ति आयु जो रिटायरमेंट की उम्र है उसको कम नहीं किया जाएगा, तब तक जो नए वाले हैं उनको ये बढ़ती जाएगी और एक संकट आगे बहुत ही खतरनाक आएगा, और जिसके कारण लूटपाट, चोरी वगैरह, बेरोजगारी होगी, भुखमरी वगैरह बढ़ेगी, इसलिए लूटपाट, चोरी, अपराध के मामले तेजी से बढ़ेंगे और एक विकट परिस्थिति का सामना होगा। अगला है आवास की समस्या। आवास की समस्या, राज्य में आवास की समस्या जनसंख्या बढ़ने के साथ ही भयानक होती जा रही है। गांव में भी संयुक्त परिवार प्रथा विखंडन होने से भी आवास की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों को दुखी झोपड़ियों में रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इसके लिए राज्य पर केंद्र सरकार ने गृह निर्माण में की राशि से ऋण के ब्याज पर छूट देने का प्रावधान किया है तथा सभी वाणिज्यिक बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं तथा कुछ राज्य सरकार ने इसमें गवर्नमेंट के फायदे फिर भी कई जो निजी जनजाति के लोग हैं या निम्न जनजाति श्रेणियों के लोग आते हैं या गरीब निम्न जीवन स्तर वाले लोग हैं उनके लिए आवास की समस्या बनी विकट परिस्थितियों में बनी गई, उसके लिए अच्छे से उपाय करने जरूरी है। निर्धनता में वृद्धि देखो, निर्धनता में वृद्धि, राज्य में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ निर्धनता में भी वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान में भी राज्य में जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। उनमें से 65 से 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है तथा गाँव में निम्न आय वाले खेती मजदूर लघु व सीमांत आदि आते हैं, जिनकी आय का स्रोत निम्न होता जा रहा है, जिससे निर्धनता में वृद्धि हो रही है। क्योंकि कृषि क्षेत्र में भूजल का स्तर है वो भी नीचे जा रहा है, जिसके कारण भी आने वाली परिस्थितियों के अंदर क्या है, खेती वगैरह भी कम हो रही है तथा लागत अधिक आ रही है, और उसके कारण क्या है कि सबकी जो निम्न आय का स्रोत भी बंद होने जा रहा है। नगरीकरण की समस्या, नगरीकरण की समस्या, राज्य में शहरीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है। शहरों के निकटवर्ती उत्तम उपजाऊ भूमि के को भवन बनाने में काम किया जा रहा है। 2001 में राज्य में नगरीय जनसंख्या 23.43% थी, जो बढ़कर 2011 में कितनी होगी, नगरीय जनसंख्या 24.9% हो गई। इस नगरीकरण के प्रतिशत में वृद्धि अपराध आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अगला है खाद्यान्नों में प्रति व्यक्ति उपलब्धता की कमी एवं कुपोषण में वृद्धि। सातवीं है खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता की कमी एवं कुपोषण में वृद्धि। राज्य में बढ़ता हुआ पानी की कमी से खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी की संभावनाएं हैं तथा अधिक नगरीकरण से भी कृषि भूमि कम होती जा रही है। अगर खाद्यान्न उपलब्धता में कमी से कुपोषण की समस्या को बढ़ावा मिलेगा तथा अन्य समस्याएं
अन्य समस्याएं राज्य जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से खाद्यान्न संकट, पेयजल संकट, अपराध, लूटमार, हिंसा आदि के साथ विकासात्मक गतिविधियों का प्रभाव नगरीय दृष्टिगत हो जाएगा। ठीक है, ये थी राजस्थान की जो जनसंख्या समस्याएं हैं उनके बारे में। अब बात करते हैं अगला है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, आज सांसद ने जो गाड़ियों के या इसका नोट नोट ले लिया है। जनसंख्या समस्याओं का समाधान, जनसंख्या समस्याओं का समाधान, इसलिए देखो जनसंख्या समस्याओं के समाधान हेतु निम्न उपाय किए जा रहे हैं। निम्न उपाय किए जा रहे हैं, इनमें नंबर फाइव है बाल विवाह पर रोक। बाल विवाह पर रोक, राज्य की आर्थिक अक्षय तृतीया की पूर्णिमा आर्थिक में वो बाल विवाह होते आ रहे हैं, इनके जनंदर में वृद्धि होने से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अतः बाल विवाह पर रोक लगा देनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में सरकारी परिवर्तन से बाल विवाह में कमी जरूर देखी गई है, बाल विवाहों का भी मतलब कम किया गया है। नंबर जो लिखित है वो है परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू करना। परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू करना, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सेवा भाव से कार्य करना होगा तथा करोड़ों शिक्षा कार्यक्रम का परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना पड़ेगा, तभी जनसंख्या बढ़ोतरी को कम किया जा सकता है। एकीकृत जनसंख्या एकीकृत जनसंख्या एवं आर्थिक विकास, एकीकृत जनसंख्या एवं आर्थिक विकास, इसमें शिक्षा का प्रसार, उद्योगों का विकास, संवेदना, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी उन्मूलन आदि में सुधार करने से आर्थिक विकास मजबूत हो सकता है। आर्थिक स्तर उच्च होने से संतुलित जनसंख्या की सामाजिक सोच विकसित होगी तथा जो आर्थिक विकास हो पाएगा तथा जनसंख्या का एकीकृत स्वभाव जागृत होगा। जनसंख्या परिषद का गठन, जनसंख्या परिषद का गठन देखो, इसका गठन जनसंख्या को नीति को हो क्रियान्वित व क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। अगला है विकास योजना, विकास की योजना राज्य ने 11 मार्च 1995 में चार्टर में यह योजना टॉप पे दोसा में संचालित की गई थी, जिसे अब संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया। इस योजना में महिला स्वास्थ्य गर्भ निरोधक उपाय एवं दंपतियों को इस सुविधा के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन आदि उद्देश्य रखे गए हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से विकास योजना का सूत्रपात किया हुआ। अगला है राज्य के सभी प्रमुख नगरों में मास्टर प्लान लागू करना, मास्टर प्लान लागू करके, मास्टर प्लान लागू करने से नियोजित विकास हो सकेगा। अगला है स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी योजना को प्रभावी रूप से सभी जिलों में लागू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य ने सामाजिक एवं आर्थिक मान्यताओं में बदलाव आदि के साथ ही उपयुक्त विकास मानक तथा उनका क्रियान्वयन किया तथा जनजागरूकता या लोगों को अधिक से अधिक ग्रामीण प्रदेश के लोगों को
एजुकेशन या शिक्षा का डेवलपमेंट करके जो जनसंख्या है उनके जो लाभ हानि है उनके ओतप्रोत कराना चाहिए, ताकि उनको ये पता पड़ सके कि जनसंख्या अति विकट समस्या किस प्रकार हो रही है तथा संसाधनों का किस प्रकार से दबाव बढ़ता जा रहा है। तो अधिकतर जो लोग निम्न जो निर्धनता वाले लोग हैं उनके आर्थिक दबाव आ जाता है, अत्यधिक उनकी जो पढ़ने लिखने का खर्चा है तथा विभिन्न प्रकार के जो उनके पालन पोषण का खर्चा है वो अत्यधिक नहीं हो पाता है। अगर एक फैमिली में ज्यादा से ज्यादा बच्चे वगैरह होंगे तो उनका लालन पोषण नहीं हो पाता है। इसके कारण तथा रोजगार के विकल्प की योजना भी गवर्नमेंट राज्य सरकार को आगे करनी चाहिए। अधिकतर रोजगार के नए जो क्षेत्र नए युवाओं को रोजगार के लिए रिटायर्ड उम्र की जो है उसको सेवानिवृत्ति आयु को कम करके भी रोजगार को काफी बढ़ाया जा सकता है। तो आपने साथ में नोट बना लिया होगा। तो ये बात जनसंख्या की प्रमुख विशेषता तथा इसकी समस्या और इसके समाधानों की चर्चा हमने की गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वहां तक के लिए धन्यवाद।